गौतम बुद्ध, स्वराज्याचे जनक बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज, आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज, स्त्री उद्धारक क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, स्त्री शिक्षणाची प्रमुख जननी माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होडकर, माता भीमाई, माता रमाई, फातिमाजी शेख, मनोरंजनातून प्रबोधन आणि प्रबोधनातून परिवर्तन हा नवा प्रवाह सांगणारे साहित्य सम्राट, लोकशाहीर, सत्यशोधक, कॉम्रेड, मनुवाद की रीढ़ की हड्डियों में जूतों की ठोकर मारकर उसे तोड़ने वाले ई.वी. पेरियार रामास्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए या आरक्षणाला घटनात्मक आयाम देणारे भारतीय घटनेचे प्रमुख शिल्पकार, बोधिसत्व, युग प्रवर्तक, क्रांती सूर्य, प्रज्ञा सूर्य, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व आणि न्याय यांचे पुरस्कर्ते, अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, सिंबल ऑफ नॉलेज, दलितांचेच नव्हे तर बहुजनांचे कैवारी, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथा भीमराव रामजी आंबेडकर या सर्व महापुरुषांना कोटी कोटी अभिवादन करते. तसेच महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 जयंतीनिमित्त त्यांना माझा त्रिवार अभिवादन व कोटी कोटी प्रणाम आणि सर्व भारतवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. या भीम महोत्सव भीम जयंती निमित्ताने बुट्टीबोरीमध्ये आयोजित या कार्यक्रमासाठी या विचार मंचावर असलेले प्रतिष्ठित समस्त पदाधिकारी, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा अतिथी, सर्व बौद्ध उपासक आणि उपासिका, सर्वांना माझा क्रांतिकारी जय. कोणाला जन्म कोणाला काय देऊन गेला, कोणाला जन्म कोणाला काय देऊन गेला, फक्त बाबासाहेबांचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला. जनावरासारखे होते जीवन तो माणूस बनवून गेला, आम्ही होतो गुलाम, आम्हाला बादशाह बनवून गेला. ज्यामुळे मी पहिल्यांदा श्वास घेतला, ज्यामुळे मी पहिल्यांदा श्वास घेतला ते माझे आई बाबा आहेत, परंतु ज्यांच्यामुळे माझे वंशज पिढ्यान पिढ्या श्वास घेत आहे ते माझे भीमराव आहेत, ते माझे भीमराव आहेत. मित्रांनो, बाबासाहेबांच्या विचाराचा विजय करायचा असेल तर काय करावे लागेल, तर बाबासाहेबांचा एक एक विचार घेऊन त्यांची लढाई उभी करावी लागेल. आता बाबासाहेबांचा एक एक विचार घेऊन लढाई उभी करताना वो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, वो बार बार कहते हैं कि हम संविधान का रिन्यू कराना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि भैया आप संविधान की समीक्षा तो जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले संविधान का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ इसकी भी तो समीक्षा कीजिए. संविधानाची समीक्षा त्यांनी जरूर करावी, परंतु संविधानाची अंमलबजावणी किती झाली याची तर आधी समीक्षा व्हायला पाहिजे. बाबासाहेबांच्या विचाराचा विजय करायचा असेल तर बाबासाहेब म्हणतात की माझ्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा माझे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न प्राणप्रणेने पूर्ण करा. जर तुमच्याकडे दोन नाणी असतील तर एका नाणीची भाकर घ्या आणि एका नाणीची पुस्तक. भाकर तुम्हाला जगवेल आणि पुस्तक जगण्याची कला शिकवेल. बाबासाहेबांनी म्हटले होते की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि बाबासाहेबांची ही प्रेरणा घेऊनच आज मी माझे विचार तुमच्या समोर ठेवत आहे. साथियों, जिस समाज के अंदर धैर्य होता है उस समाज को कोई हरा नहीं सकता. मैं तो आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि होके मायूस नहीं यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरत से निकलते रहिए, एक ही पाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए. आज हमें एक बात को सोचकर चिंता पैदा होती है, और चिंता इस बात को सोचकर पैदा होती है कि हमारे समाज में हजारों सालों तक गुलामी क्यों चली. हमारे समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी लगभग 3,500 साल तक गुलाम क्यों रहे, ऐसे कौन से कारण थे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ये न चाहा हो कि हमारा समाज आजाद न हो. हमारा समाज भी पढ़े लिखे, हमारे लोग भी शासक बने, हमारे लोग भी पूरे प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदार बने, हमारे लोगों का भी मान सम्मान हो, हमारे लोग भी स्वाभिमान के साथ जी सके. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ये न चाहा हो. तो फिर ऐसे कौन से कारण थे कि हमारा समाज लगभग 3,500 साल तक गुलाम था. ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिन्होंने हमारे समाज के पढ़ने लिखने, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगाई, इसके साथ साथ संपत्ति अर्जित करने तथा मानवता का दर्जा प्राप्त करने पर भी बंदिश लगाई, जिसकी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए. आखिर क्या वजह है कि हमारा बहुजन समाज आज भी इस मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो पा रहा है. हम आखिर गुलाम क्यों है, जब हम पैदा होते हैं तब आजाद पैदा होते हैं, तो फिर हम गुलाम कैसे बन गए. पहला कारण है अज्ञानता, दूसरा गलत जानकारी, और तीसरा कारण है कि हम स्वयं को आजाद ही नहीं करना चाहते. ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र श्रृंग ने सम्राट अशोक के महान पुत्र बृहदत्त मौर्य की षड्यंत्र से धोखे से हत्या की और रक्त रंजीत के तहत प्रतिक्रांति की. इस प्रकार ब्राह्मण शाही का विजय हुआ.
उसने राजा बनने पर सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं का खुले आम कत्ल कर दिया। ताकत के बल पर और मनुस्मृति के अनुसार उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाकर योजनाबद्ध तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाई और हम मूलवासियों को हजारों जाति उपजातियों में विभाजित किया ताकि हमारी सामाजिक एकता तोड़ी जा सके और करोड़ों देवी देवता बनाए जिसे हम इस मानसिक और धार्मिक गुलामी के जकड़न में बंधे रहे। साथियों, रामचरितमानस कहती है कि ढोल गवा शूद्र पशुनारी ये सब है टाडन के अधिकारी, अर्थात नारी को ढोल की तरह पिटना चाहिए। फिर भी एक सहनशील शूद्र नारी अब भी इन हिंसक धर्म ग्रंथों को सीने से लगाए फिरती है। यकीन मानिए, यही आपकी गुलामी का कारण है। मैं पूछती हूँ, कब मिटेगा ये अंधविश्वास का अंधेरा? आज भी हमारी भोजन माताएं बहनें इस मानसिक और धार्मिक गुलामी के जकड़न से मुक्त नहीं हो पा रही है। अंत में मेरे मन में हमेशा जो एक सवाल मुझे खंजर की तरह चुभते रहता है, मेरे अंतर मन को झकझोर कर रख देता है। मैं एक महिला होने के नाते और साथ ही आधुनिक जीवन में सफर करते हुए हमेशा ये सोचती रहती हूँ और ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ, किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली उस तुलसीदास पर जिसने कहा था ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है टाडन के अधिकारी। मैं हैरान हूँ, किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को जिसने गर्भवती पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। किसी औरत ने क्यों नहीं भेजी लानत उन सबको जिसने औरत को समझकर वस्तु लगा दी थी दाव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। मैं हैरान हूँ, किसी औरत ने क्यों नहीं की सहयोगिता अंबा अंबालिका के डिंडाड़े अपहरण का विरोध आज तक। मैं हैरान हूँ उनकी चुप्पी देखकर, इसे उनकी सहनशीलता कहूँ या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। साथियों, सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है लेकिन सोने का ड्रामा करने वालों को नहीं। आज हमारे ओबीसी लोगों की स्थिति कुछ इसी प्रकार है। प्रयास तो सभी तरफ अब अपने तरीके से चालू है लेकिन हमारा ओबीसी समाज आज इस मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो पा रहा है या तो होना नहीं चाहता। ओबीसी को आज तक ये पता नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण के लिए जो प्रावधान किया है वो हमारे लिए भी किया है। संविधान क्या सिर्फ एससी एसटी के लिए ही है? ओबीसी को आज तक ये पता नहीं है कि जिनकी इस देश में आबादी 52% से ज्यादा है उन्हें सत्ताधारियों ने 27% पर लाकर छोड़ा और इस तरह वीपी सिंह की सरकार आई और 27% आरक्षण लागू किया। बाबा साहब एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया और भारत का 5000 साल का इतिहास सिर्फ 40 साल में बदल दिया। ब्राह्मण और इस देश की मनु आदि सरकार इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन बाबा साहब को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए हमें भी ये मंजूर नहीं है। असल में वे हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश में ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं। क्या हम ऐसे ऐसे ओबीसी को इस देश के मूल निवासियों को विचार नहीं करना होगा कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा या भारत देश के संविधान से? बाबा साहब जानते थे कि इस देश की मनुवादी सरकार आगे चलकर ऐसा षड्यंत्र करेगी, इसीलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। बाबा साहब कहते हैं कि कानून मैंने बनाया है, पालन सभी को करना है, वो तुम्हें हिंदू मुस्लिम बनाएंगे, तुम भारतीय होने पर अड़े रहना। और यही बात उन्होंने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भी डाली है और संविधान की शुरुआत उन्होंने हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस नाम से की है। या देशाच्या 72 वर्षाच्या इतिहासात कोणी संसद लोटांगण घेत आहे आणि मनातल्या मनात संकल्प करत आहे की 5 वर्षाच्या आत हे संविधान संपवू आणि हे षड्यंत्र चालू केलेले आहे, त्यांचं म्हणणं असं आहे की या देशातला पहिला संविधान रचयिता मनू आहे। राजस्थानच्या हायकोर्ट समोर मनूचा पुतळा उभारला आहे पण मला त्यांना एक सांगायचे आहे की ज्या मनूचा तुम्ही पुरस्कार करता त्या मनूची मनुस्मृती आमच्या बापाने 1927 साली महाडला जाळून टाकली होती आणि ते जाण्यापूर्वी रायगडाला जाऊन छत्रपती शिवरायांना अभिवादन केले होते की ज्या वर्ण व्यवस्थेने तुमचा अपमान केला त्या धर्मग्रंथेला झाडून तुमच्या अपमानाचा बदला घेण्यात येईल। आणि 9 ऑगस्टला याच देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये जंतर मंतरवर याच देशाचं संविधान चाळलं गेलं तरी आम्ही शांत होतो। 1956 साली जर बुद्ध बाबासाहेबांनी तुम्हा आम्हाला दिला नसता तर दरवर्षी भीमा कोरेगाव घडला असता। हे लक्षात ठेवा, विनाशाशी जर असेच आमचे नाते जुळले असते तर आम्ही आमच्या घरात सापही पाळले असते। चुकून थोडीशी बुद्धाची ओळख झाली अन्यथा तुम्हाला घरात येऊन थेट चमकवले असते। मित्रांनो, आताची वेळ ही निर्णायक आहे। ज्यांनी जरी संविधान जाळले असेल तरी संविधान वाचवणारे हात निर्माण करण्याची जबाबदारी आज आपल्या सर्वांची आहे। पण जाताना एवढेच सांगेल की जंग का ऐलान हो चुका है साथियों, लढाई के लिए तयार हो जाओ। ये लड़ाई तीर तलवारों की नहीं है, ये लड़ाई हथियारों से और औजारों से नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई है बाबा साहब शिवशाह फुले और पेरियार की विचारधारा की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।